गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टॉपिक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई अमरनाथ लिमिटेड है, उनका कैपिटल स्ट्रक्चर में देखिए चार आइटम है। इक्विटी कैपिटल 8 लाख, प्रीफ्रेंस कैपिटल 2,50,000, डिवेंचर 3 लाख, लॉन्ग टर्म लोन 1,50,000, टोटल 15 लाख है। ये इनका सोर्स ऑफ फंड है और ये बुक वैल्यू है। यहां ध्यान दीजिए, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। इक्विटी का देखिए 15%, तो इक्विटी है आपका 15%। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का 12%, डिवेंचर 7.5%, और लोन दिया हुआ है 9%। ओके, तो यहां देखिए आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी कैपिटल 15, प्रीफरेंस 12, डिवेंचर 7.5, लोन 9। कॉरपोरेट टैक्स रेट 40% है, टैक्स रेट 40% है, 40% टैक्स चार्ज किया गया है। बोल रहा है डिटरमाइन बिफोर टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है। इक्विटी का ऊपर और प्रीफरेंस के ऊपर टैक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसका बिफोर एंड आफ्टर परसेंटेज सेम होता है, कॉरपोरेट टैक्स से इसका कोई लेना देना नहीं। ये टैक्स बाद दिया हुआ 7.5% जो है आफ्टर टैक्स है, 40% टैक्स बाद दिया हुआ है, इसका मतलब वो 60% के इक्विवेलेंट है। तो उसको बिफोर टैक्स कन्वर्ट करेंगे, इसको भी बिफोर टैक्स कन्वर्ट करेंगे। इसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बना पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल दैट इज केई, केई दिया हुआ है 15%। कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस कैपिटल दैट इज केपी, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस कैपिटल दिया हुआ है 12%। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स, इसको बिफोर टैक्स में लाना है, केडी वो दिया हुआ है 7.5% और नीचे हो जाएगा 1-t। ओके, 7.5% 1-0.40, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 0.6 ये हो गया 12.5%। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, इसको भी बिफोर टैक्स करना है, के एल कर देते हैं, दैट इज के एल दिया हुआ है आपका 9%, तो ये हो जाएगा 9% 1-t, डिवाइड कर देंगे 9% 10.4, 9 डिवाइडेड बाई 0.6 ये आ गया आपका 15%। तो के ई आपका 15, के पी कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस 12, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर 12.5, और कॉस्ट ऑफ लोन 15%, इसको लेके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनाया जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ फंड, पैसा कहां कहां से आया। तो उसमें पहला नाम आपका था इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल आपको 8 लाख रुपया। दूसरा नाम प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल आपका 2,50,000, डिवेंचर 3 लाख, डिवेंचर आपका 3 लाख, और लॉन्ग टर्म लोन 1,50,000,
लॉन्ग टर्म लोन 1.50, इसका टोटल हो गया आपका 15 लाख। इसको आप एक बार देख लो, ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल 2.50, डिवेंचर 3, लोन 1.50, टोटल देखिए आपका 15 लाख। अब इसको हम लोग प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर देंगे, टोटल टेकन एज 100, 8 लाख डिवाइडेड बाय 15 × 100, ये आपका प्रोपोर्शन हुआ 53.33। ये 2,50,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख × 100, ये हो गया आपका 16.67। 3 लाख दैट इज 20 हुआ, 1.5 लाख 10 हुआ, इसको ऐड करिए, देखिए आप 100 हो जाएगा। अच्छा, कॉस्ट, कॉस्ट बिफोर टैक्स चाहिए, देखिए यहां पे ऊपर ही है, इक्विटी का 15, प्रिफरेंस का 12, इक्विटी का देते हैं 15%, प्रीफरेंस का 12। अच्छा, डिवेंचर का देखिए बिफोर लाए हैं 12.5 और लोन का 15%, इसका आया है 12.5, इसका आया है 15%। प्रपोर्शन का कॉस्ट से इंटू करेंगे तो ये आएगा 7.999, दैट इज 8 कर देते हैं, 16.67 इंटू 12%, ये आपका 2 आ गया। आइए 20 × 12.5%, ये आपका 2.50, ये हो गया 1.50, इसको प्लस कर देते 4, 8, 12 और 2, 14, आंसर हो गया आपका 14%। यहां आंसर शो कर देते हैं, देयर फोर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको KO से डिनोट करेंगे, 14%। ओके, तो यहां पे आफ्टर टैक्स कॉस्ट दिया हुआ था डिवेंचर और लोन के केस में, उसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर लिए। वेटेड एवरेज सिंपल तरीका, सोर्स लिखे, बुक वैल्यू लिखे, टोटल किए, इससे प्रपोर्शन तैयार किए, कॉस्ट देख के लिखे, इंटू किए, WACC आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।